बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने बनाया है चिकन हैदराबादी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाया। हमने इसे सहरी के लिए बना के तैयार किया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो के हमने छलनी पे रख दिया था। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रहे हैं। यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून, और ये हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी हम 1 टीस्पून डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे। और अभी यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, तो धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर हमने काली मिर्च डाल दी है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला डाल दिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरे का पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून, ये कसूरी मेथी है ये डाल देते हैं हम। हमने इसे अच्छे से क्रश कर ली थी, तो ये डाल देते हैं। ज़रा सी बचा दी है हमने, ज़्यादा हो रही थी तो 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाली है। और यहाँ पर ये हमने गाढ़ा वाला दही लिया है, तो ये डाल देते हैं हम। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब डालना है, 4 से 5 टेबल स्पून काफ़ी होगा, और ज़्यादा खट्टा नहीं ले। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून काजू ले ली है और 8-10 बादाम ले लिए, इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है हमने। इसको हम पीस ले लेंगे, तो पीस के पाउडर बना लेंगे हम। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये फ्राई करे हुए प्याज है, तो ये डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-4 प्याज को फ्राई करके ले लिया था, तो थोड़े से बचा के रख देती हूँ, ज़्यादा हो रहे हैं, और बाकी के इसमें डाल दिए। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज के बराबर आप इसमें डाल दें। और ये काजू और बादाम का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो इसको पेस्ट बना सकते हैं थोड़े से पानी के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 स्पूनफुल भर के लिया है, और ये यही वाले स्पून से लिया है मैंने, रेगुलर जो दाल चावल वाला स्पून है, 2 टेबल स्पून ले लिया है ये वाला। इसे अच्छे से हम हाथों से मसलते हुए इसको मैरिनेट के लिए अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इस तरह सभी चिकन के ऊपर पीसेस को लगाएंगे इस तरह मसाला, तो अच्छे से टेस्ट आता है। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू है नहीं, तो मैंने नहीं डाला। और दही काफ़ी ले लिया है, तो इधर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी और उसमें तेल डाला है। तेल मैंने पहले से इसमें प्याज फ्राई करके निकाला, वही वाला तेल है। कुछ साबुत मसाले रख लेते हैं। इसमें मैंने 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दाल, 1 मोटी इलायची का छिलका है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, और 8-10 काली मिर्च के दाने, इसे हमने डाल दिया है तेल में। तेल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लें, तो तकरीबन 1/2 कप तेल ले लिया है हमने। अब जो हमने ये चिकन मैरिनेट करके रखा था, ये इसमें डाल देते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से भून लेना है हमने। पाँच मिनट तक भून लीजिए आप इसे। लाइट चली गई थी बीच में, आ गई लाइट, तो थोड़ा सा कलर अलग अलग दिख रहा था। तो इसे अच्छे से भून लें आप, गैस की फ्लेम मीडियम रखें। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसे अच्छे से भून लें। अब मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है, और यहाँ पर ये मैं रेड ऑरेंज कलर जो होता है फूड कलर, वो डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इससे सिर्फ कलर अच्छा दिखता है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो जिस बाउल में हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, तकरीबन ये 1/2 कप के करीब पानी है, वो हमने चिकन में डाल दिया है, ताकि जो भी मसाला उसमें था वो चिकन में चला जाए। और अब हमने इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ना है, तो मैं इसे कवर कर दूँगी। पहले अच्छे से इसे आप मिक्स कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी थिक सा दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है हमने, और इसे हम कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो कर दी जब इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। बीच में चेक कर लें, तो ये देखिए चिकन की रंगत बहुत ही बढ़िया सी आई है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो इसे मिक्स कर लें। ये चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, तो
बस अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। मैंने दो हरी मिर्च को इस तरह टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर हरा धनिया डाल देते हैं। तो बहुत ही मज़े का बना है, तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, अपनी दुआ में हमें याद रखें। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़े की है, इसमें कुछ ख़ास एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस ये तैयार है। तो मैं कुछ देर के लिए इसे ढक दूँगी ताकि ये जो हमने हरा धनिया डाला है और मिर्ची डाली है उसकी अच्छी से इसमें खुशबू हो जाए। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दी 2 मिनट बाद हमने, ये देखिए रंगत भी अच्छी आई माशाल्लाह से। तो चलिए इसे कर लेंगे डिश आउट। तो इतने में इफ्तार का टाइम होने जा रहा था तो मैंने इसे बहुत देर बाद में डिश आउट किया है। तो ये ठंडा हो चुका है सालन, यहाँ पर बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, रंगत भी बहुत ही अच्छी आई है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को इस तरह ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।